हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं मनदीप लांबा आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी जो कि ए ग्रेडेड है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे एक पीएचडी नोटिफिकेशन आया है, उसके बारे में डिटेल्ड हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूँ कि इस चैनल पर पीएचडी के लिए रिसर्च मेथोलॉजी फॉर पीएचडी 2021 के लिए प्लेलिस्ट डिज़ाइन की हुई है जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और ये प्लेलिस्ट आपको क्या रिसर्च होता है, क्या रिसर्च की रिक्वायरमेंट होती है, सभी चीज़ों के बारे में बिल्कुल बेसिक से सभी चीज़ें, सैम्पलिंग क्या होती है, हाइपोथेसिस क्या होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैंने कवर किया है। ठीक है, तो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखें। अभी डायरेक्ट मुद्दे पर चलते हैं। हिमाचल प्रदेश जो यूनिवर्सिटी है वो एक नैक ए ग्रेडेड यूनिवर्सिटी है। इसमें आपकी पीएचडी की सीट्स आई हैं और ये आपकी शिमला में स्थित है। ठीक है, तो एडमिशन नोटिस है, एडमिशन नोटिस आपका पीएचडी प्रोग्राम 2021-22 के लिए आपका ये रहने वाला है। इसके लिए कौन एलिजिबल है, तो ऑनलाइन अप्लीकेशन डायरेक्ट आप एडमिशन के लिए पीएचडी प्रोग्राम के लिए इस यूनिवर्सिटी में इनवाइट किए जाते हैं। एलिजिबल कैंडिडेट कौन कौन से हैं, तो एलिजिबल कैंडिडेट वो हैं जो कि यूजीसी के नेट जेआरएफ कैंडिडेट पास हैं, यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ इंस्पायर राजीव गांधी फेलोशिप, मौलाना आजाद फेलोशिप, अवार्ड्स ऑफ टीचर और फेलोशिप या स्पॉन्सर्ड कोई भी आईसीसीआर या डीबीटी जेआरएफ आईसीएमआर या अदर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोई भी आप क्वालिफाइड हैं तो आप यहां पर एलिजिबल रहेंगे। राइट, एक तो आपका पॉइंट ये रहा। इसके साथ साथ यहां पर ऑनलाइन एप्लीकेशन ये इनवाइट भी किए जाते हैं जो कि हिमाचल प्रदेश के यूनिवर्सिटी के टीचर हैं और कॉलेज के भी टीचर हैं या फिर अफिलेटेड कॉलेज के टीचर हैं, वो भी आपके यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन के लिए 1 सुपर नंबरी सीट के लिए आप सभी डिपार्टमेंट्स में एलिजिबल रहेंगे। राइट, अगर इन केस ऑफ सीट्स आर वैकेंट, मतलब कि सीट्स हैं वो आपकी वैकेंट रह जाती हैं, तो एंट्रेंस टेस्ट भी आपका ऑर्गेनाइज कराया जाएगा पीएचडी के लिए, वो आपका ऑर्गेनाइज कराया जाएगा दिसंबर 2021 में। तो ये आप ख्याल रखें कि जो यहाँ पर नेट जेआरएफ क्वालिफाइड हैं या फिर यूजीसी या कोई फेलोशिप होल्डर है या फिर टीचर या कॉलेज टीचर हैं, तो वो आपके यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे, वो अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी 9 अगस्त देखने को मिलती है। राइट, यहाँ पर जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं, एलिजिबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी तो ये है और दूसरी एलिजिबिलिटी 55% आपके नंबर होने चाहिए और आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी इक्विवेलेंट ग्रेड बी यूजीसी 7 पॉइंट स्केल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। इसके साथ साथ 5% की रिलैक्सेशन है जो भी आपके यहाँ पर एससी एसटी के कैंडिडेट रहेंगे। राइट, इसके साथ साथ क्या सीट्स का पोजीशन है, तो इस यूनिवर्सिटी में सीट्स डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 17 सीट है, 7 सीट आपके मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में है और आपके फिजिक्स में 13, आप बोटनी में 16, जूलॉजी 13 एंड बायोटेक्नोलॉजी में 7 सीट, कंप्यूटर साइंस 5 सीट, पीएचडी इंग्लिश 12, पीएचडी हिस्ट्री 6, हिंदी 11, संस्कृत 2, कॉमर्स 8, इकोनॉमिक्स 8, म्यूजिक 2, विजुअल आर्ट 1, जर्नलिज्म 7 एंड ज्योग्राफी 2 सीट्स रहने वाली, सोशियोलॉजी 2, लॉ 24, साइकोलॉजी आपके 5, टूरिज्म 1, मैनेजमेंट 5, दीनदयाल उपाध्याय पीएचडी के लिए आपकी 4 सीट रहेंगी, एक चेयर है और उसके साथ साथ आपके पॉलिटिकल जो साइंस है उसमें आपकी 3 सीट्स रहने वाली है। तो एक तरीके से ये आपकी सीट्स हैं वो आपके वेरी कर सकती हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। राइट, इसके लिए आप कोई भी क्वेरी रहती है तो आप इन पर आप कॉल कर सकते हैं, 10 से 5 तक आप कॉल कर सकते हैं। राइट, इसके साथ साथ यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी का ब्राउजर था जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड मैं करा दूंगा, आपके साथ शेयर कर दूंगा, अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप यहाँ पर विजिट करके चेक कर सकते हैं। राइट, इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश की जो भी डिपार्टमेंट्स वाइज आपकी कोई चेक करना है तो आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं, कोई भी आप क्वायरी रहती है तो ये आपका यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, काफ़ी रेपूटेड यूनिवर्सिटी है, इसमें अगर हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप जरूर लें। धन्यवाद, जय हिंद, जय